हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं अखिलेश शॉन आप सभी का स्वागत करता हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर से। तो भाई दोस्तों, कल हम जोशीमठ से 12 बजे दिन को निकले और यहां 10:30 बजे रात को पहुंचे। तो हमारा कुछ ऐसा प्लान है आज का, पहले तो हमें एक गाड़ी देनी है और दूसरी गाड़ी लेनी है, क्योंकि हम कल यहाँ से जाने वाले हैं सोनप्रयाग या सीतापुर, और परसों जाएंगे हम केदारनाथ। तो दोस्तों, देहरादून में इतनी गर्मी है अभी भी, क्योंकि हम ठंड में जून के महीने में भी हमारा गोविंद धाम में घांगरिया में जैकेट पहना रहता था, और यहाँ पे इतनी गर्मी है आंखें नहीं खोली जा रही है, इसलिए मैं गॉगल्स पहन ही लेता हूँ। तो भाई दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी भी, और यहाँ आ करके टी शर्ट में रह करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी चलते हैं थोड़ी देर में बाहर की तरफ, क्योंकि हमें थोड़ा यहाँ मार्केट का काम निपटाना है, और परसों हमें जाना है केदारनाथ, और वहाँ से तुंगनाथ होकर के बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से फिर यहाँ ऋषि, उनको जो हमारे साथ आ रहे हैं उनको यहाँ पे ऋषिकेश में ड्रॉप करना है। तो भाई दोस्तों, मैं जैसे ही ऊपर छत में गया, 2 मिनट रहा, पूरा चेहरे पे पसीना पसीना आ गया। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं गौरव के रूम पे। तो ये है गौरव भाई अपना। तो अभी हमें थोड़ा सा शोरूम में जाना है हुंडई के, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत काम है। और ये कुछ बोल रहा है रोहित भैया करके, अब भाग गया। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलते हैं, मार्केट का काम निपटाते हैं, देन उसके बाद हमें जाना है केदारनाथ। और ये अपना गौरव भाई का भाई है सुजल, जो कि यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहा है और काम करता है, जॉब करता है, काम वाली भाई नहीं बोला। तो भाई दोस्तों, हम निकल चुके हैं मार्केट की तरफ, और मार्केट ही जा रहे हैं अभी, क्योंकि वहाँ पे हल्का फुल्का छोटा मोटा काम है, और ये लोग भी रेडी हो गए हैं। किसको देखो, स्लीपर्स में ही आ रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी तो हालांकि मुझे भी लग रही है, लेकिन क्या करें, शूज में मजे ही अलग है। तो फिलहाल निकलते हैं बाहर। ओ गौरव, तो भाई साहब, जैसे हम धूप में 2 मिनट खड़े हो रहे हैं, पूरी बॉडी में मतलब ऐसे पसीना पसीना सा हो रहा है। और ये देखिए भाई, बहुत लेट लतीफ़ है, बहुत ही ज़्यादा लेट लतीफ़ जिसको बोलते हैं। और थोड़ा सेविंग वगैरह भी करते हैं आज आराम से, क्योंकि कल परसों से टाइम नहीं मिला, क्योंकि गोविंद धाम घाघरे से सीधे नीचे आए और जोशीमठ पहुँच के सीधा देहरादून की गाड़ी पकड़ी, और रात के 10:30 बजे देहरादून में पहुँचे। तो आज अच्छे से अपना काम निपटा करके थोड़ा सेविंग वगैरह भी करते हैं, पहले अपना काम हो जाए। तो ये लोग तो बैठ गए अंदर, और यहाँ पर तो जगह ही नहीं है बैठने की। तो भाई, गाड़ी के अंदर इतनी हीट हो रखी है। तो दोस्तों, गाड़ी बहुत ज्यादा हीट हो रखी है, इसको एसी खोलने के लिए बोला है, लेकिन ये एसी खोल नहीं रहा है। खोल दिया भाई। अभी ये कैमरे में आने के लिए बोला है इसने, क्योंकि अभी बोल रहा था कि भाई पेट्रोल के पैसे नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी ले रखा है, लेकिन क्या ही बोले अब। अभी हम आ चुके हैं डीपीएम हुंडई में, जो कि आईएसबीटी वाले रोड पे है, रिस्पना पुल से आईएसबीटी के लिए जो रोड जाती है वहाँ पे है। और भाई दोस्तों, अभी देखते हैं कितना पेपर वर्क है हमारा और कितना टाइम लगेगा दूसरी गाड़ी लेने में, क्योंकि हमें ये वाली गाड़ी देनी है सर्विसिंग के लिए। तो अंदर चल के देखते हैं कि क्या बोलते हैं वो। तो दोस्तों, गौरव भाई को ये आ गई है पसंद, क्योंकि वेन्यू मतलब गौरव भाई को ये वाली गाड़ी आ गई है पसंद। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, और गौरव भाई को तो यही पसंद आ गई है। तो भाई, ओवरऑल कृष्णा भी सारी गाड़ियों को देख के आ गया और परेशान हो गया कि कौन सी ले कौन सी ना ले। फिलहाल तो अपनी ये अभी i20 लेने लेके आया है, देने आया है। तो दोस्तों, ओवरऑल
हमने सारी गाड़ियों देख ली है। गौरव भाई शायद लेने के विचार में है, कोई तो गाड़ी लेगा। और तो दोस्तों सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अभी लग गई है भूख। और अभी इतनी गाड़ियों के बीच मतलब हुंडई शोरूम में कैंटीन है, तो कैंटीन में कुछ खा लेते हैं, पहले एनर्जी आ जाएगी बॉडी में, देन उसके बाद अपना और काम निपटाते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी गाड़ी मिलने में बहुत टाइम है। बोल रहे हैं कम से कम एक घंटा और लग जाएगा, तो कैंटीन में चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। तो इसने पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया है, बस मेरे को तो कुछ ना कुछ खाना है और उसके बाद बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, देन उसके बाद बात करूंगा मैं इनसे। क्या मंगाई ला? क्या ये तुम पेटीज मंगाए मिला आप अपने को छोले चावल खाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों कल ब्लॉग मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ शोरूम के बाद हमें मार्केट जाना था और वहाँ पे बहुत सारा काम हो गया था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। और आज सुबह हम आ गए हैं हरिद्वार, हर की नगरी, भोलेनाथ की नगरी में, हरिद्वार में। तो भाई अभी हम आए हैं हरिद्वार में रेलवे स्टेशन, जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं उनको रिसीव करना है, देन उसके बाद आज जाएंगे सोनप्रयाग और कल जाएंगे हम केदारनाथ। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी लगा रहा है भाई पीछे, और अभी हम अंदर जाते हैं रेलवे स्टेशन पे और उनको रिसीव करके देन हम निकलते हैं सोनप्रयाग के लिए, रुद्रप्रयाग, और कल हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए। दोस्तों अभी हम हैं हरिद्वार में रेलवे स्टेशन में, और जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं हमें पता नहीं है कि कौन से प्लेटफॉर्म से आते हैं आ रहे हैं वो। तो कृष्णा भाई बस उन्हीं को कॉल कर रहे हैं, और पहले तो दोस्तों हम तो रहने वाले हैं पहाड़ के, पहाड़ में ट्रेन तो होती नहीं, तो देहरादून जब भी आना होता था बचपन में तो ताऊजी तब मुझे छत से, हरावाला में घर है उनका, तो वहाँ से मेरे को छत से ट्रेन दिखाया करते थे बहुत छोटे थे तब। तो शायद कृष्णा को मिल गए हैं, हाथ को उठा रहे हैं वो, पता नहीं। तो दोस्तों हमारे गेस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ये ट्रेन आ चुकी है उनकी, लेकिन हमको यहाँ पे भी मिल नहीं रहे कि एक्चुअल में कहाँ पे है वो, तो बस उन्हीं की धुन खोजबीन में जा रही है। तो भैया फाइनली मिल चुके हैं यहाँ पे मेरे पीछे, और बहुत टाइम के बाद एंडिंग में खड़े हैं। तो भैया दोस्तों पहुँच चुके हैं हम श्रीनगर, और यहाँ से रुद्रप्रयाग बच जाता है सिर्फ 30 किलोमीटर, और यहाँ पे सुबह से गाड़ी चलाते सुबह 6 बजे से गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि पहले हरिद्वार जाना पड़ा, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश से 11:30 बजे पहुँचे, मतलब 11:30 बजे मतलब वहाँ से ऋषिकेश से निकले। तो सुबह से बस थकान लगी है, खाया पिया बस, सुबह 2 पराठे खाए थे, उसके बाद कुछ नहीं। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकान लगी, मतलब गाड़ी चला करके। तो यहाँ पे हमारी बन रही है चाय, तो भाई 3 लोगों का तो ऑर्डर है चाय का, सॉरी कॉफ़ी का, और मैंने ऑर्डर किया है चाय का। तो यहाँ पे नदी के किनारे जो डैम बना हुआ है श्रीनगर में, तो यहाँ पे ठंडी हवा भी चल रही है, और आगे गोविंद धाम में तो भाई साहब बर्फ़ पड़ रही है, स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे तो अभी धूप ही है, केदारनाथ में देखते हैं कैसा मौसम रहता है, कैसा सीन होता है, कितनी ठंड होती है। तो भाई दोस्तों हमारी आ चुकी है यहाँ पे चाय, और जो कि हमारे गेस्ट है, हमारे भैया है, वो है गुजरात से, और यहाँ पे केदारनाथ बद्रीनाथ घूमने के लिए आए हैं। तो कैसे लग रहा है भैया यहाँ पे? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, मस्त कॉफी के साथ तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है अभी भी, और लेकिन जो हमारे पहाड़ों में गोविंद धाम में श्री हेमकुंड साहिब जी में बर्फ लग रही है, स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी तक धूप है, और एकदम नदी के किनारे, अलकनंदा के किनारे बैठ करके ठंडी हवा भी चल रही है। तो आपको मैं यहाँ पे जो डैम बना हुआ है श्रीनगर में उसका व्यू दिखाता हूँ,
बहुत ही जबरदस्त व्यू है यहाँ पे। तो वे दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं काफ़ी मेहनतों के बाद फाटा में, और यहाँ पे रूम वगैरह लेकर के एकदम अभी फ्रेश इनफ हुए। और भैया और नीचे से देख रहे हैं एकदम नीचे भैया कॉफ़ी पी ली। अच्छा तो भाई अभी थोड़ी देर में डिनर वगैरह करते हैं, पहले भैया औरों को भी साथ ही में करना है, देन उसके बाद आप लोगों को। अभी रात अंधेरा हो चुका है, व्यू तो कुछ दिखेगा नहीं, तो मॉर्निंग में आपको केदारनाथ जाते टाइम व्यू दिखाऊंगा। तो भाई दोस्तों पहुंच चुके हैं हम फाटा में, और यहां से कल केदारनाथ के लिए निकलेंगे सुबह। तो भाई दोस्तों यहां पे आ करके बहुत ही ठंडा लग रहा है, क्योंकि कल परसों में हम देहरादून में थे, तो देहरादून से हरिद्वार श्रीनगर तक तो एकदम गर्म था, गर्म मौसम था, लेकिन जैसे ही रुद्रप्रयाग के अंदर आए फाटा में पहुँचे वैसी ठंड लगनी ज़बरदस्त शुरू हो गई। तो कल सुबह मॉर्निंग में श्री केदारनाथ जी का ट्रैक करेंगे हम सुबह 5 बजे, जितना जल्दी निकल सकते हैं उतना जल्दी निकलेंगे हम यहाँ से। तो भाई भैया औरों को भी बता देना चाहिए पहले ही, ठंड से कुछ बोला नहीं जा रहा, बहुत ठंड लग रही। मैं तो भाई अभी भी नीचे से शॉर्ट्स में हूँ। तो भाई दोस्तों यहाँ पे रोहन भैया कुछ हमारे लिए पता नहीं क्या लेके आए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। रोहन भैया कह रहे हैं कि गुजरात से नमकीन वगैरह कुछ लेके आए हैं, स्पेशल। तो कृष्णा तो खोल रहा है और रोहन भैया हमें कुछ गिफ्ट कर रहे हैं गुजरात से। रोहन भैया कल सुबह 5 बजे उठना है, रोहन भैया कल सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ, 2 दिन चल जाएगा पक्का। ठीक है, रोहन भैया तो तैयार है ट्रैक करने के लिए एकदम, और हम भी 5 बजे तैयार रहते हैं, कोई नहीं हो तो। तो भाई दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को करता हूं मैं यहीं पे एंड, और इससे इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो होगा केदारनाथ जी का, केदारनाथ में कौन कौन सी फैसिलिटीज है, कैसा ट्रैक है, कैसा रास्ता है, कैसे वहां पे होटल्स वगैरह जो भी है, मंदिर का आपको व्यू दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे मंदिर का। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।